को किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा रहा, उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। आजकल में इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं। सदर आरिफ अलवी इमरान खान से मिले हैं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उस्मान कसाना यूट्यूब चैनल। एक बहुत अहम खबर आपसे शेयर कर रहा हूं कि अभी इस्लामाबाद से एक बड़ी खबर आई है कि अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत खारिज कर दी है। इमरान खान एक केस में अबूरी जमानत पर थे और गुज़िश्ता 4 महीनों से वो जमानत लिए हुए थे। आज उस केस में पेशी थी, उसकी कुछ तफसीलात आपसे आगाह करनी है और इस केस की जमानत खारिज होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है। वो वजह भी मैं आपसे शेयर करता हूं और याद रहे कि इमरान खान की इन हालात में और आज पर्टिकुलरली ये जमानत खारिज होना एक बहुत लाउड और क्लियर मैसेज है। किसके लिए है वो भी मैं आपसे बात शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने पर एक केस इमरान खान के ख़िलाफ़ दायर था इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में। इस अदालत के अलावा भी इमरान खान के ऊपर मुतअद्दिद केसेस हैं, मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं और वो उन तमाम अदालतों से जमानत पर हैं, अबूरी जमानत पर। इस्लामाबाद में ही एडिशनल सेशन जज ने उनको 27 फरवरी तक अदालत ने जमानत दे रखी है। इस केस में आज उनकी अपीयरेंस थी, आज हाजिरी थी। तो इमरान खान के वकील बाबर आवान ने सुबह जब पेश होकर इमरान खान की हाज़िरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी तो अदालत ने सबसे पहले तो उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया कि इमरान खान को हर हालत में आज अदालत में पेश होना है। बाबर आवान ने अदालत को बताने की कोशिश की कि मेरे जो क्लाइंट हैं इमरान खान हैं, जो इस केस में मुलजिम हैं, वो लाहौर में हैं और वो सेहतियाब ज़ाहिर है नहीं है, उनकी टांग का मसला है, वो सफ़र नहीं कर सकते। अदालत को ये बात वैसे भी मालूम है तो मेरे जो क्लाइंट हैं इमरान खान उनको जमानत में तोसी दी जाए। अदालत ने कहा कि हम हाजिरी में इस्तिस्ना नहीं देंगे, आप अपने क्लाइंट से ये मशवरा करें कि क्या वो अदालत आ रहे हैं या नहीं, या ये उनसे मशवरा कर लें कि वो अपनी दरख्वास्त जो जमानत की दरख्वास्त है उसे वापस लेना चाहते हैं तो ले लें, मगर ना दोनों सूरतों में हम फैसला करेंगे। बहुत दलाइल दिए बाबर आवान ने अदालत को, मोजिज़ जज साहब को कायल करने की कोशिश की लेकिन वो कायल नहीं हुए और उन्होंने, बाबर आवान ने दूसरी अदालत का हवाला भी दिया एडिशनल सेशन जज का इस्लामाबाद का, कि उन्होंने 27 फरवरी तक इमरान खान को इस केस में जमानत दे रखी है तो आप भी दे दें। 27 फरवरी तक इमरान खान कोशिश करेंगे कि वो इस्लामाबाद पहुँचें, आज उन्होंने कोशिश की लेकिन वो नहीं आ सके। इन तमाम बातों के जवाब में जज साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और उनका कहना था कि इमरान खान को अगर हम रिलीफ देंगे तो हमें फिर एक आम आदमी को भी रिलीफ देना होगा। बल्कि इस पर एक बड़ी दिलचस्प बात यह हुई कि जज साहब ने बाबर आवान को 1-2 तरीके सिखाए, खुद उनको गाइडलाइन दी, बल्कि जिसे हम कह सकते हैं टिप्स दी कि आपके अगर जो मुवक्किल हैं इमरान खान हैं वो अगर चाहें तो लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत लेकर वो इस्लामाबाद आ जाएं, जाहिर है हम उन्हें गिरफ्तार नहीं करवा सकेंगे। लेकिन बाबर आवान ने इसके लिए उनसे वक्त मांगा। अदालत ने कहा कि हम आपको 2.5 घंटे का वक्त देते हैं, आप मशवरा करें और मशवरा करके हमें जवाब दें कि क्या इमरान खान आ रहे हैं या इमरान खान अपनी दरख्वास्त जमानत वापस ले रहे हैं। 2.5 घंटे का वक्त जब ख़त्म हुआ अदालत ने दोबारा जब बाबर आवान से इस्तफसार किया, बाबर आवान ने पेश होकर, बाबर आवान ने यह भी कहा आज की बहस में, दरख्वास्त ये भी की कि मैं आपको श्योरिटी बॉन्ड देता हूँ 10,000 रुपये का, मतलब इमरान खान के आने या ना आने की कीमत 10,000 रुपया लगाई कि 10,000 रुपया ले लें, मैं ये जमानत के तौर पे जमा करवाता हूँ कि इमरान खान आएंगे अगली पेशी पर। अदालत ने किसी बात से इत्तेफाक नहीं किया और मौजूद जज साहब ने इमरान खान की जो अबूरी जमानत थी इस इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज वाले केस में, ये जमानत मुस्तरद कर दी, खारिज कर दी है। अब इमरान खान को गिरफ्तार करने का एक स्टेप और अबूर कर लिया गया है। यहाँ से मैसेज क्या दिया गया है, मैसेज इमरान खान की जमानत खारिज करने के बाद तहरीक इंसाफ की उन तमाम जो जिसे हम कह सकते हैं क्यादत है तहरीक इंसाफ की, तमाम क्यादत उसको ये मैसेज दिया गया है कि अब इमरान खान की गिरफ्तारी की तरफ कदम बढ़ना शुरू हो गए हैं। बाबर आवान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ की पूरी काबीना ये चाह रही है और ये सोच रही है कि इमरान खान को कैसे गिरफ्तार किया जाए। अदालत ने इन तमाम बातों से सरफ नज़र करते हुए इमरान खान की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद किया और इमरान खान अब ये कवि जिसे हम कहते हैं ना इम्कानात बन गए हैं कि अब आज काल में इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं। इसके साथ अब इसका असर दूसरे केसेस पर भी पड़ेगा। इसके पीछे एक जिसे हम कह सकते हैं बिहाइंड द सीन एक डेवलपमेंट ये हुई है कि सदर आरिफ अलवी इमरान खान से मिले हैं लाहौर में और इस्लामाबाद में वो इसहाक डार से मिले हैं। इन तमाम चीज़ों की कड़ियाँ जब हम मिलाते हैं तो इमरान खान को किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा रहा, इस पर फिलहाल तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं, वो रिलीफ की तलाश में हैं, मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ
ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि कहाँ कहाँ से रबते किए जा रहे हैं। इस हवाले से मैं इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि इस हाकडार से आरिफ अलवी साहब की क्या बातें हुई और लाहौर में इमरान खान साहब से क्या बातें हुई, ज़राए इस हवाले से क्या चीज़ें बताते हैं। ज़ाहिर है ये मुलाकातें सारी वन ऑन वन थी, कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं वो मैं अपने व्यूवर्स तक अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा।